प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम आ रही थी जो थी स्टारवेशन। स्टारवेशन क्यों आ रहा था? हम क्या कर रहे थे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस यदि हमने सिस्टम को दी तो क्या हो रहा था कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो रहा था कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो स्टारवेशन में चली जा रही थी। स्टारवेशन में मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक वेटिंग में चली जा रही थी, ठीक है, और जो बाद में जो सारी प्रोसेस आ रही थी हमारे पास वन बाय वन, जिसकी प्रायोरिटी हाई थी वो पहले एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होते जा रही थी, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस को हमारा सिस्टम मिल ही नहीं पा रहा था, ठीक है। मीन्स जो सीपीयू है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस को मिल नहीं पा रहा था, इसलिए प्रोसेस किसी हो रही थी स्टारवेशन में चली जा रही थी, ठीक है। तो वो जो ड्रॉबैक था, ठीक है, उसी को हमने रिजॉल्व किया है इसमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में। अब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग मीन्स इसमें क्या करेंगे हम कि फीडबैक देंगे, फीडबैक देते जाएंगे ताकि क्या हो कि हमारी जो बेस प्रोसेस है, ठीक है, या बैकग्राउंड प्रोसेस लोवेस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या हो जल्दी से हमारे रेडी क्यू में आ जाए और एग्जीक्यूशन करने के लिए इसको सीपीयू जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी एल्गोरिदम आज हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है मल्टी लेवल मतलब नंबर ऑफ क्यू होगी, ठीक है, मल्टी क्यू होगी। अब मल्टी लेवल क्यू है और उसमें क्या देंगे हम फीडबैक देंगे, ठीक है। नाम से क्लियर समझ में आ गया आपको कि मल्टी लेवल फीडबैक मतलब मल्टीपल क्यूज यहाँ पर है और उसको क्या करेंगे हम ऐसे फीडबैक देंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास 1 2 3 मेरे पास रेडी क्यू है, R Q1 R Q2 and R Q3। अब मैं यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम मेनली जो यूज कर रहे हैं हम, जो शेड्यूलिंग यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए ताकि वो जल्दी से एग्जीक्यूशन के लिए आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फीडबैक देंगे वो हम किसको देंगे, लोवेस्ट प्रायोरिटी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने हमारी शेड्यूलिंग ये डिजाइन की गई है क्यों की गई है, हमारी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस के लिए, ठीक है, बेस्ट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मेरे पास है फर्स्ट रेडी क्यू है, रेडी क्यू में सबसे फर्स्ट प्रोसेस मेरी गई जिसके लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस मेरे पास गई, ठीक है, जिसका टाइम क्वांटम मैंने दे के रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई प्रोसेस P1 गई सपोज मेरी, ठीक है, उसके लिए टाइम क्वांटम दिया है, मतलब मैंने कि जो भी प्रोसेस आएगी वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, 2 मिलीसेकंड तक सपोज, ठीक है। इसके बाद में यदि वो प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम 2 मिलीसेकंड ही है तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होके वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, और यदि उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है तो वो कहां चली जाएंगी इसके बाद में, हमारी नेक्स्ट क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर सपोज मेरी P1 प्रोसेस है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, तो यहां पर उसका टाइम क्वांटम कितना है, 3 मिलीसेकंड का, ठीक है। तो यदि इसका जो टाइम बचा हुआ होगा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का, ठीक है, यदि वो कंप्लीट हो गया यहां पर तो प्रोसेस हो जाएगी टर्मिनेटेड, ठीक है, अदरवाइज फिर वो जाएगी हमारी नेक्स्ट क्यू में फॉर द एग्जीक्यूशन। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग किस टाइप से वर्क करता है। सपोज मेरे पास कोई एक प्रोसेस है P1, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है सपोज 7, ठीक है, मतलब P1 एक प्रोसेस मेरे पास आई जिसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 7, ठीक है, इट मींस उसको 7 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू चाहिए। यदि इसको 7 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू मिल जाएगा तो उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगी सिस्टम से, ठीक है। अब जब प्रोसेस P1 मेरे पास आई 7 मिलीसेकंड टाइम लेकर, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कहां गई वो, इस फर्स्ट क्यू में, ठीक है, और यहां पर क्योंकि मैंने पहले क्वांटम देके रखा है कि कोई भी प्रोसेस आएगी तो वो सिर्फ 2 मिलीसेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो जैसे P1 आई तो उसने देखा यहाँ पर टाइम क्वांटम कितना है 2, तो जो प्रोसेस है वो 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हो चुकी, तो जो कंप्लीट टाइम कितना था उसका 7, तो 7 में से जो P1 प्रोसेस है वो 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। जब 2 मिलीसेकंड उसका टाइम हो गया तो अब कितना बचा, 5, मतलब अब कितना बचा है P1 को, 5, मतलब 5 मिलीसेकंड के लिए उसको सीपीयू चाहिए रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर हमने फीडबैक लगाया था, ठीक है, जैसे ही ऐसा फीडबैक वो सेकंड क्यू में गई, ठीक है, आर क्यू टू में, तो P1 ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है टाइम क्वांटम दिया है 3 मिलीसेकंड का, ठीक है, तो P1 के पास कितना है अभी, 5 मिलीसेकंड चाहिए उसको सीपीयू, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ हमको कितना मिल रहा है, 3 मिलीसेकंड का, ठीक है, तो उतना ये प्रोसेस ले लेगी। तो जब P1 को मिला कितने टाइम के लिए, 3 मिलीसेकंड के लिए मिला, ठीक है,
3 मिली सेकेंड के लिए इसको मिला सीपीयू, ठीक है। तो अब कितना बचा P1 का टाइम, 2, मतलब अभी भी P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसको 2 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए रहेगा, ठीक है। 2 हो गया 5, ये 3 हो गया, मतलब टोटल कितना हुआ 5, 5 मिली सेकेंड के लिए P1 प्रोसेस हमारी चल चुकी है, मतलब 5 मिली सेकेंड के लिए इसको सीपीयू मिल चुका है। अभी भी उसका कितना बचा है, 2 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा था P1 को 7, लेकिन अभी तक कितना वो चल गई है 5, ठीक है 5 मिली सेकेंड चल चुकी है, तो कितना बचा है अभी P1 को और 2 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए, इसलिए वो एज अ फीडबैक जाएगी किसमें, नेक्स्ट क्यू में जो है हमारी आर Q3, ठीक है। अब जैसे P1 इसमें गई तो इसको कितने मिली सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए, 2 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है, FCFS मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जैसे इसको यहाँ पर उसने देखा कि ये एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ठीक है, तो जैसे इस मेरी प्रोसेस का नंबर आएगा तो ये क्या होगा, FCFS का रूल क्या है कि प्रोसेस जो आती है पहले वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके ही हमारे सिस्टम को टर्मिनेट करती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर हम FCFS यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि ये P1 प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी और फिर सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से मल्टी लेवल क्यू में जब हमारी कोई प्रोसेस एंटर करती है तो नंबर ऑफ क्यू से जाते हुए क्या होगी, टर्मिनेट होगी, ठीक है। मल्टी लेवल में जब हम फीडबैक यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरे बेच प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा सीपीयू का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा एक क्यू में गई थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट हुई मेरी प्रोसेस, ठीक है, फिर सेकंड क्यू में गई और कुछ थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट हुई, तो उसको बहुत टाइम तक सीपीयू का वेट नहीं करना पड़ा, मीन्स उसका नंबर क्या हुआ, जल्दी आ जाएगा सीपीयू के पास, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस टाइप से वर्क करता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम था वो क्यों यूज करते हैं हम, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है उनके लिए, ताकि वो स्टार्वेशन में न जाए और उनका एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाए, उनको जल्दी सीपीयू मिल जाए, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट हमारी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, थैंक यू।